हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हमारे बालकनी गार्डन में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी वाइन जो आप जानते तो होंगे, पर उसमें फ्लावरिंग होती है। देखिए आप, हमें तो बिल्कुल एक अनोखा सा लग रहा है। मैंने फर्स्ट बार इस प्लांट को लगाया है, प्लांट यानी इस बेल को लगाया है, जो जिसका नाम है स्वीट पोटैटो। ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें, और इसमें फ्लावरिंग भी होती है। ये मुझे पता नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं था। सो फ्रेंड्स देखें, इसकी बेल जो है ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक गई हुई, और खूबसूरत पत्तियाँ देखिए इसकी। और ये देखें फ्रेंड्स, ये फ्लावर कितने खूबसूरत फ्लावर हैं। ये देखें, मैंने कभी देखे नहीं थे। मैंने सोचा मैं अपने सभी फ्रेंडों के साथ ये बात शेयर करूं। और कलियां भी देखिए, कलियां भी लगी हैं काफ़ी, मतलब बड़ी बड़ी। मैंने अपने कई यूट्यूबर से ये तो सुना था कि ये स्वीट पोटैटो वाइन को लगाना चाहिए, पत्तियों की बड़ी खूबसूरती होती है इन्हें इस वाइन में, तो बट इसके फूलों के बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। देखिए, ये यहाँ से इसकी ये बेल गई हुई है इधर, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है दूसरे पॉट में। और ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें, और इसकी फ्लावरिंग देखें तो है ना, आम के आम गुठलियों के दाम। स्वीट पोटैटो खाइए और फ्लावरिंग देखो, और कितनी सुंदर बेल भी, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर लगाएं। और इसके लगाने का तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि अभी मार्केट में शायद स्वीट पोटैटो आ नहीं रही है। जैसे ही आएगी वैसे मैं आपको बताने की वीडियो डालूँगी। और देखें फ्रेंड्स, इसी कलियाँ देखें, ये देखें, और फ्लावर्स ये देखिए, दो तो नीचे गिर गए। ये देखें, मैंने अभी देखा तो मैंने कहा मैं वीडियो बना के आपको अपने सभी फ्रेंड्स को दिखाती हूँ। ये देखें, एक फ्लावर्स लगा भी है। ये देखें, ये भी गिरने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि ये बेल और अपने पत्तों की खूबसूरती से बहुत ही सुंदर लगती है, और अगर इसमें फ्लावरिंग आ गई तो और भी चार चांद लग गए। बहुत ही अच्छी बेल गई हुई है, ये देखें। और ये कटिंग से भी लग जाता है फ्रेंड्स, अगर आप कटिंग्स लगाना चाहते हैं। मैंने इसकी कटिंग भी लगाई है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको कटिंग कहाँ लगाई है। ये देखें, ये भी कटिंग से इसकी दूसरी ब्रांच निकल रही है। ये देखें, और देखें फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी दूसरी कटिंग मैंने कहाँ लगाई है। ये देखें फ्रेंड्स, इस पॉट में मैंने इसकी ये कटिंग लगाई हुई है। ये देखें, बहुत छोटी सी कटिंग लगाई थी जो अभी ये इतनी, ये देखें बड़ी हो गई। इसके पत्ते थोड़े से, ये देखिए, कलरफुल होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। सो अपने बालकनी गार्डन में इसे ऐड करें, कटिंग से लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।